योडा थ्री हिल दोस्तों, एक ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक जो कि इजाद करी है नील योडा हिल ने। तो बहुत दिनों से हमने कोई ट्रेनिंग वीडियो बनाई नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम पे वीडियो नहीं बनाई, और ये काफ़ी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि Y3T के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज फाइनली दोस्तों मैं इसको लेकर के आ गया हूँ। बात करते हैं इसके बारे में, क्या है ये। लेकिन उससे पहले कैसे हैं दोस्तों आप सब। मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, बात करते हैं योडा थ्री हिल ट्रेनिंग के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि नील योडा हिल ने इसको इजाद करा है, जो कि फ्लेक्स लुईस के ट्रेनर हैं, और फ्लेक्स लुईस उनके साथ में बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, लगभग 19 साल की एज से। और आज हम लोगों को मालूम है कि फ्लेक्स लुईस 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया है अपनी डिवीज़न में। साथ ही साथ विलियम बोनैक को भी वो ट्रेन कर रहे हैं लगभग 2014-15 के ईयर से। फिलहाल हम लोगों ने देखा कि हाल ही में बिग रैमी भी इनके साथ में जुड़ गए हैं, तो वो भी अभी एक Y3T एथलीट हैं। और दुनिया भर में कई सारे लोग हैं जो कि इस ट्रेनिंग मेथड को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली ये है एक 3 डायमेंशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि 3D लुक देने में मदद करता है ये। और दूसरी बात यह है कि मसल मास को ग्रो करने में डेफिनेटली हेल्प करता है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जो चीज़ ध्यान देने वाली है, वो आती है इसमें मसल फाइबर्स को जो ट्रेन करने का एक वेरिएशन बनाया गया है वो। यानी कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होती है, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होती है। और बेसिकली जो ट्रेनिंग है ये है 9 वीक्स की ट्रेनिंग, और उसके अंदर इस तरह से इसको बनाया गया है कि हम अपनी दोनों टाइप के मसल फाइबर्स को ट्रेन कर सके, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच। अभी ये जो टोटल 9 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये 3 फेजेस के अंदर डिवाइड होता है, और हर एक फेज़ के अंदर 3 वीक्स होते हैं। तो पहले वीक में जो मसल फाइबर ट्रेन होती है वो होती है फास्ट ट्विच 2B मसल फाइबर। सेकेंड वीक में ट्रेन होगी फास्ट ट्विच 2A मसल फाइबर, और थर्ड वीक में आती है स्लो ट्विच मसल फाइबर, और उसके बाद फिर से ट्रेन होती है फास्ट ट्विच 2B मसल फाइबर, और फिर से पूरी प्रोसेस, ये जो पूरी साइकिल है, रिपीट होती रहती है 9 वीक्स तक। अब मैं आपको एक बेसिक सा इसमें जो कॉन्सेप्ट है फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच का, कई लोगों को मालूम होगा कई लोगों को नहीं मालूम, तो इसलिए मैं बताता हूँ। फास्ट ट्विच मसल फाइबर जो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो फास्ट ट्विच एकदम से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, एक एक्सप्लोजिव एनर्जी, ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगी, लेकिन फैटीग भी उतनी जल्दी होगी, थकेगी भी उतनी जल्दी। वहीं जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है वो एक लिमिटेड अमाउंट की स्लो एनर्जी ही रिलीज करेगी, लेकिन इस वजह से वो लंबे टाइम तक मूवमेंट करती रहेगी। स्लो ट्विच मसल फाइबर आसानी से फैटीग नहीं होती है, लंबे टाइम तक परफॉर्म कर सकती है। अब फास्ट ट्विच के अंदर जो 2B है, 2B सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करती है, लेकिन सबसे कम एंड्योरेंस उसी का ही है। 2A में क्या है, 2A जो होती है वो उतनी ज़्यादा, मैं कहूँगा, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस नहीं करती, उससे नीचे रहती है, लेकिन उसके मुकाबले फिर उसका एंड्योरेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और स्लो ट्विच का तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा एंड्योरेंस स्लो ट्विच ही प्रोड्यूस करती है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और उतनी ज़्यादा ताकत, उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं करती। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट वीक में जो ट्रेन होती है, जो मसल्स होती हैं, वो होती है फास्ट ट्विच 2B मसल फाइबर्स। इसमें हैवी लिफ्टिंग करनी होती है, बेसिकली डोरिनेट्स ट्रेनिंग स्टाइल जो था, कि एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, स्क्वीज़ करना होता है, स्लो रेपिटेशन इसमें परफॉर्म करने होते हैं, और हैवी कंपाउंड एक्सरसाइजेज इसके अंदर परफॉर्म करनी होती है। सेकेंड वीक में क्या होता है कि मॉडरेट हैवी रहती है, उसके अंदर हम लोग कंपाउंड प्लस आइसोलेशन दोनों तरह की एक्सरसाइजेज को इन्वॉल्व करते हैं, और इसके अंदर हम लोग फास्ट ट्विच 2A मसल फाइबर को इंक्लूड कर रहे हैं। थर्ड वीक जो होता है, ये होता है कंप्लीट आइसोलेशन मूवमेंट का वीक, और इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया स्लो ट्विच मसल फाइबर को ट्रेन किया जाता है, और इसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रैप्स निकाल रहे हैं, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। और ये बेसिकली होता है बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, एक टॉर्चर करने वाला वीक जो बताया गया है नील योडा हिल के द्वारा। और इसके अंदर काफ़ी हैवी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होती है, क्योंकि बात क्या है ना, जब आप 30 से 40 रैप्स निकालेंगे एक एक्सरसाइज की, उसमें आप ड्रॉप सेट्स भी लगा रहे हैं, सुपर सेट्स भी लगा रहे हैं, जॉइंट सेट्स भी लगा रहे हैं, कई सारी एडवांस वर्कआउट टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस टाइम पर बेसिकली जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगेगा, सांस फूलेगी। और यहाँ पर हम लोग ट्रेन करते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर को। ये एक इसका बेसिक सा मैंने आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाया है। अब आप लोग अगर कन्फ्यूज़ हो तो एक बार वीडियो को दोबारा आप लोग रिपीट करके देखिएगा कि क्या चीज़ है। अभी ये इतना हाई इंटेंस वर्कआउट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे कि टोटल तो 9 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, लेकिन एक वीक में सिर्फ 4 दिन इसमें ट्रेन करना होता है, और ये एक सैम्पल वर्कआउट प्लान है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल के तहत समझा देता हूँ। सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं हम लोग चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का, उसको हम लोग 3 वीक्स में मैं बताऊँगा कि पहले वीक में किस तरह से इसको करना है। एक सैम्पल मैं आपको वर्कआउट प्लान बताऊँगा उसमें, और हाँ, एक ज़्यादा इजीली समझाने के लिए मैं आपको एक नीचे सैम्पल वर्कआउट का प्लान भी दे दूँगा, नीचे PDF लिंक में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज लगेंगी वो लगेंगी चेस्ट एंड ट्राइसेप्स की, और इसमें एक्सरसाइजेज कुल मिला करके 5 से 6 रहनी चाहिए, क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट्स का वीक है, इसके अंदर हैवी लिफ्ट करना है, इसके अंदर हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 8, 9, 10 एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जा रही है, लगभग 5 एक्सरसाइजेस के अंदर चेस्ट भी कवर हो जाएगी,
ट्राइसेप्स भी कवर हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या मान लीजिए, अगर पहली एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका अपर चेस्ट का जो पार्ट है वो वीक चल रहा है, तो आप इंक्लाइन डंबल प्रेसेस से स्टार्टिंग कर सकते हैं या फिर इंक्लाइन बारबेल प्रेस आप लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। उससे पहले लेकिन 3 से 4 वार्म अप सेट्स इसमें लगाने हैं। ये ध्यान रखना है कि वार्म अप सेट्स लगाने के बाद फैटीग ना हो आप। 3 से 4 इसमें वार्म अप सेट्स रहते हैं और उसके बाद फिर मेन वर्किंग सेट लगभग 2 या 3 के करीब इसमें रहते हैं। तो इसमें आप एक्सरसाइज कोई भी लगा सकते हैं। हम लोग इसमें पकड़ करके चलते हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस को। अच्छा, इससे पहले जैसे कि मैं वार्म अप सेट्स की अभी बात कर रहा था, उसके अंदर ये ज़रूरी है वार्म अप करते वक्त के जो आपका रेंज ऑफ मोशन हो वो फुल रेंज ऑफ मोशन हो, ताकि पूरा जो एरिया है चेस्ट का या फिर जॉइंट्स का, जो आसपास का एरिया है, शोल्डर्स का एरिया, वो पूरा वार्म अप हो जाए। लेकिन जब आपका पहला इसमें सेट लगेगा, जो मेन वर्किंग सेट है, इसमें लगभग मैंने बताया कि 3 वर्किंग सेट्स रहेंगे, तो उसके अंदर वेट सेम रखना है, कॉन्स्टेंट वेट रखना है। इसके अंदर क्या है कि वेट लगभग इतना रहना चाहिए, जैसे कि हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स करनी है तो लगभग इसके अंदर रैप्स निकलने चाहिए 8 से 10। अगर आप इससे ज़्यादा रैप्स निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वेट हल्का है, आपको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर आपके रैप्स मान लीजिए निकल रहे हैं 3 या 4 पहले सेट में, इसका मतलब वेट काफ़ी ज़्यादा है। अभी जैसे कि मैंने कहा कि रेंज ऑफ मोशन वार्म अप सेट्स करते वक्त फुल होना चाहिए, लेकिन जब आप वर्किंग सेट कर रहे हैं तो फुल रेंज ऑफ मोशन इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप हाथ को बिल्कुल नीचे लेकर के जाएंगे, डंबल्स को आप नीचे लेकर के जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जॉइंट्स के ऊपर पूरा प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से जॉइंट में इंजरी होने के चांसेस है। और ये हम देखते भी हैं कि हैवी वेट लिफ्ट करने से इंजरीज होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वेट को बहुत नीचे तक लेकर के नहीं जाना, रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वर्किंग सेट में। और इसका एक और भी फ़ायदा मिलता है, वो ये है कि कॉन्स्टेंटली जो प्रेशर है वो आपके उस पर्टिकुलर मसल पे बना रहता है, जैसे कि यहाँ पर चेस्ट है। अब इसमें क्या है कि पहले सेट में लगभग 10 रैप्स निकलने चाहिए, दूसरे सेट में 8 और तीसरे में लगभग 5 से 6 रैप्स के बीच में आने चाहिए, ये इसमें रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपको ये एक्सरसाइज सुनने में आसान लग रही होगी, लेकिन जो चीज़ इसको मुश्किल बनाती है, इसमें कई सारी टेक्निक्स ऐसी लग रही हैं जो कि इस एक्सरसाइज को मुश्किल बनाती है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इस पूरे Y3T प्रोग्राम के अंदर इम्प्लाई हो रही है, जो मैंने देखा नील यूडा हिल कराती हैं अपने सारे एथलीट्स को, वो ये है कि आपका जो मोशन है वेट को ऊपर नीचे लेकर के आने का, वो बहुत ही कंट्रोल्ड होना चाहिए, एकदम कंट्रोल्ड वे ऑफ मोशन, स्टेडी एंड स्लो वेट को नीचे लेकर के आना है, स्लोली वेट को प्रेस करना है। ये पूरे Y3T प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ अप्लाई हो रही है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही आप week 1 में हो या फिर आप week 3 में हो, आप भले ही हैवी लिफ्ट कर रहे हो या फिर आप लाइट लिफ्ट करके 40 रैप्स भी निकाल रहे हो, लेकिन जो वेट को कंट्रोल करने का जो पूरा मोशन है वो एकदम स्टेडी और स्लो होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ Y3T में, नील योडा हिल ने हर जगह ये चीज़ अप्लाई करवाई, और वो है रेस्ट पाउज टेक्निक। जब आपने वेट पुश करा, वेट को ऊपर टॉप पे ले जा करके आपने रेस्ट करा लगभग 3 से 4 सेकंड्स के बीच में, और उसके बाद में वेट को स्लोली नीचे लेकर के आ रहे हैं। अब ये जो रेस्ट पाउज टेक्निक है ना, मान लीजिए आपको 10 रैप्स निकालने थे पहले सेट में, आपने 8वें सेट के बाद में रेस्ट कर लिया, उसके बाद ये 2 सेट निकालने मुश्किल पड़ जाएंगे, क्योंकि मसल फैटीग होती है लगातार आपने वेट को होल्ड करके रखा है 3 से 4 सेकंड्स बाद। तो ये जो टेक्निक्स है इस एक्सरसाइज को मुश्किल बनाती है। तीसरी चीज़ इसमें आती है कि फेलियर तक पुश करना है, 10वें रैप पे फेलियर होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, कोई बॉडी बिल्डर रैप्स लगा रहा है, वो 12वें रैप पे जाकर के फेल हो रहा है, तो ऐसा भी होता है। 14 रैप्स तक भी इसमें चले जाते हैं, जबकि कायदा ये बनता है कि 8 से 10 रैप्स में फेलियर आना चाहिए, लेकिन कभी कभार रैप्स ज़्यादा हो भी जाते हैं, तो उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये सब जो टेक्निक्स है ये इसमें काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मैंने देखी है वो है कि जब आपने वेट को पुश करा, डंबल आप ऊपर तक लेकर के गए, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करना इसमें ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट करना और स्क्वीज़ करना मसल्स को, और उसके बाद स्लोली नीचे लेकर के आना। इसमें ना मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिव पार्ट को बहुत अहमियत दी जा रही है, जो नेगेटिव रेपिटेशंस होते हैं। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने एडवांस वर्कआउट टेक्निक्स में बताया था कि जो नेगेटिव मूवमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा मसल हाइपरट्रॉफी क्रिएट करती है, नेगेटिव पार्ट जो है, जिस पे कि आमतौर पर हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है। एकदम से वेट को पुश करा और झटके से नीचे लेकर के आ गए, स्लोली नीचे लेकर के आना ही मसल हाइपरट्रॉफी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो वो चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है। तो मैं ये कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कंट्रोल्ड वे में जो रेंज ऑफ मोशन है वो होना चाहिए, और बहुत कंट्रोल्ड वे में रैप्स को इसमें परफॉर्म करा जाना ज़रूरी है। थोड़ा ये ट्रिकी आपको लग रहा होगा, डेफिनेटली ये ट्रिकी एक्सरसाइज है। इसके अंदर मैं कहूँगा एक माइंड मसल कनेक्शन होना ज़रूरी है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, स्क्वीज करना ज़रूरी है, वेट को स्लोली नीचे लेकर के आना ज़रूरी है, रेस्ट पाउज टेक्निक ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये ना बहुत मैं कहूँगा कि हार्ड बना देती है, जो कि होता है ना हाई इंटेंस ट्रेनिंग, हाई इंटेंस वर्कआउट, वो ये है। अब इसके अंदर आप लगभग 3 से 4 एक्सरसाइज कोई भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली आपने एक्सरसाइज लगाई इंक्लाइन डंबल प्रेस की, दूसरी एक्सरसाइज आप लगाते हैं इसके अंदर फ्लैट बारबेल प्रेस,
तीसरी लगाते हैं आप इंक्लाइन डंबल फ्लाइज, डिपेंड करता है आपको अपना ऊपर का चेस्ट का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है या आपको लोअर चेस्ट स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप नीचे के पोर्शंस लगाएंगे, नीचे के चेस्ट एक्सरसाइजेस लगाएंगे उस टाइम पर। हाँ, इसके अंदर आइसोलेशन मूवमेंट कोई नहीं है, सारी कंपाउंड मूवमेंट्स हैं। इसके बाद फिर ट्राइसेप्स की दो एक्सरसाइजेज रहेंगी, कोई सी भी आप चाहें एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 5 एक्सरसाइजेज लगती हैं इसमें, और शुरू की जो पहली चेस्ट की एक्सरसाइज थी उसके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा वार्म अप हो गया था, लगभग 3 से 4 सेट्स का जो मैंने आपको बताया विथ फुल रेंज ऑफ मोशन। तो उसके बाद चेस्ट की किसी भी और एक्सरसाइज में इसमें वार्म अप की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है अगेन, अगर आपको ज़रूरत लग रही हो और चेस्ट की कोई नई एकदम एक्सरसाइज है, थोड़े अलग ही एंगल से आप हिट कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप वार्म अप कर सकते हैं। ट्राइसेप में सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, 3 से 4 सेट्स वार्म अप के और उसके बाद 3 वर्किंग सेट। तो इसमें आप 2 या 3 ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर सकते हो और ये हो जाता है कंप्लीट वीक 1। वीक 2 में अगर हम आगे बढ़े, सेम रहेगा वीक 1 की तरह। वीक 1 में हम लोग एक्चुअली क्या था कि हर एक सेट के बीच में 90 से 120 सेकंड का रेस्ट ले रहे थे। वीक 2 में भी यही रेस्ट टाइम रहेगा, ये मैं आपको बता दूँ। वीक 2 के अंदर मॉडरेट हैवी लिफ्ट करना है, रैप रेंज इसमें बढ़ जाएगी, जहाँ पहले 10 रैप रेंज थी वहाँ आप 14 चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं फास्ट ट्विच 2A मसल फाइबर को, जिसका कि डेफिनेटली मैं कहूँगा कि एक जो एंड्योरेंस है वो ज़्यादा होता है पहले वाले वीक की मसल्स से। अब इसमें एक्सरसाइज मैं कहूँगा वही रहेंगे जो पहले वाले वीक में थी, लगभग 3 एक्सरसाइजेज, लेकिन एक इसमें एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस हो जाएगी कोई आइसोलेशन मूवमेंट की, फॉर एग्जांपल पैक डेक हो गया या फिर केबल क्रॉसओवर हो गया, तो कंपाउंड प्लस आइसोलेशन वीक ये बन जाता है। इसी तरह से आप ट्राइसेप्स में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा इसका हो गया इसमें वीक 2 का। वीक 3 की बात करूँ, कंप्लीट आइसोलेशन मूवमेंट्स होती हैं और उसके अंदर ज़रूरी है मशीन्स का यूज़ करना। फ्री वेट में फ्री वेट इधर उधर हो सकता है, तो इसलिए मशीन्स का इसमें यूज़ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अगर दूँ, तो पहला सेट इसमें दिखाया गया हैमर स्ट्रेंथ बेंच प्रेस का, जिसमें कि रेस्ट पाउस टेक्निक इस्तेमाल करनी है, और इसमें मैं बताऊँ कई बार रेस्ट पाउस टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है। अब वीक 3 को मुश्किल क्या बनाता है, जैसे कि मैंने कहा कि एकदम कंट्रोल्ड वे ऑफ मोशन होना चाहिए, किसी भी आप वीक में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस इसके अंदर कई सारी जब रेस्ट पाउस टेक्निक्स अप्लाई होंगी, तो ये 20 से 30 रेप्स एक सेट में निकालने बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे। अब इसके अंदर भी देखिए दोस्तों, 2 से 3 सेट हो सकते हैं, लेकिन जो मैं ये सैम्पल वर्कआउट दिखा रहा हूँ इसमें सब में एक ही सेट लगाए गए हैं, तो ये वैरी करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। और यही चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा टायर्ड करती है वीक 3 के अंदर, जब आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हाई रेप्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे, वो भी स्लो मूवमेंट पर। उसके बाद में कई सारे तरह के एडवांस वर्कआउट टेक्निक्स जो कि मैंने आपको बताया ही है वीडियो में, वो सब भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 1 सेट ऑफ पुशअप्स डेफिनेटली इसमें 20 रेप से ऊपर जाने चाहिए, वो भी इसमें कई बार रेस्ट पाउस टेक्निक, यानी कि आपने पुश करा और ऊपर जाकर के स्क्वीज़ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं लगभग 3 से 4 सेकंड, और उसके बाद फिर इसी चीज़ को कई बार अप्लाई कर रहे हैं, तो पुशअप्स ही इतना मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर करना। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं पैक डेक में लिखा हुआ है ट्रिपल ड्रॉप सेट्स, और साथ में लिखा हुआ है ईच टू फेलियर, तो ड्रॉप सेट्स को आप लोग भली भांति जानते हैं क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देख सकते हैं जिसमें कि जॉइंट सेट लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि है डंबल बेंच प्रेस, डंबल फ्लाइज, इंक्लाइन डंबल बेंच और केबल क्रॉसओवर। तो इन चारों एक्सरसाइज को मिला करके एक जॉइंट सेट बना दिया। आप चाहें तो सुपर सेट बना सकते हैं 3 एक्सरसाइज का। इसके अंदर ये ध्यान देने वाली बात है कि एक आपने एक्सरसाइज करी तो उसके अंदर पूरी तरह से फेलियर पे अगर आप चले जाएंगे, तो आप फिर एकदम से दूसरी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो एक वो जो जॉइंट सेट बनना चाहिए या फिर सुपर सेट बनना चाहिए, वो हो ही नहीं पाएगा, तो ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है स्मिथ मशीन, साथ में इन्होंने लिखा हुआ स्लो 6 सेकंड नेगेटिव्स टू फेलियर। समझ सकते हैं आप इसका मतलब कि 6 सेकंड्स लगने चाहिए नीचे वापस वेट को लेकर के आने में। तो सारी की सारी आप देख सकते हैं मशीन्स ही लगभग इसमें यूज़ हो रही हैं लगभग, और फोर्स रेप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं बियॉन्ड फेलियर जाने के लिए, पार्शल रेप्स भी यूज़ कर सकते हैं, सुपर सेट्स, जॉइंट सेट्स कर सकते हैं। रेस्ट पाउज मैंने आपको बता ही दिया, डेफिनेटली मैंने बताया कि इससे रिकवरी बेहतर होगी, साथ ही साथ फेशिया को भी स्ट्रेच करेगा। और इसमें मैं बता दूं कि बहुत लंबा रेस्ट नहीं लेना होता, लगभग 60 से 90 सेकंड्स के बीच में हर एक सेट के बीच में रेस्ट होना चाहिए। तो वीक 3 को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, जितने मर्जी वेरिएशंस चाहें उसमें आप डाल सकते हैं। और इसको वीक 3 की एक्सरसाइज को करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा सेट्स ही नहीं है और एक सेट में इतने हाई रेप्स हैं, तो बहुत कम टाइम में आप जिम से बाहर आ जाएंगे, ये भी एक बात है। लेकिन जैसे कि नील का कहना है कि ये सबसे ज़्यादा एनिहिलेशन वीक है, सबसे ज़्यादा थका देने वाला वीक यही है। और ये हो गया कंप्लीट पूरा Y3T का ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके बाद ये 3 वीक्स फिर से रिपीट होंगे, अगले वीक से फिर से हैवी और कंपाउंड लिफ्ट करना है, और फिर से पूरी साइकिल रिपीट होती रहेगी 9 वीक्स तक। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मैंने आपको एक टिपिकल पूरा प्रोग्राम बताया है, इसके अंदर वेरिएशंस की कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो नील योडा हिल है, वो कई बार कई एथलीट्स को 12 वीक का प्रोग्राम भी करवा देते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि फ्लेक्स लुइस हैं, उनके साथ ऐसा होगा कि वीक 1 हैवी कंपाउंड, वीक 2 कंपाउंड प्लस आइसोलेशन, वीक 3 आइसोलेशन, उसके बाद फिर वीक 2 और वीक 3। तो ये 3 वीक्स की जगह 5 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बन जाता है।
अब जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए, बैक एंड बाइसेप्स, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, क्वाड्स एंड हैम्स, यहाँ पर आप कॉम्बिनेशंस खुद भी डिसाइड कर सकते हैं आपके ऊपर है। आप चाहें तो चेस्ट एंड बाइसेप्स कर सकते हैं, बैक एंड ट्राइसेप्स कर सकते हैं, शोल्डर एंड कैफ्स कर सकते हैं, ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स कर सकते हैं। अगेन ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर वेरिएशन काफ़ी सारे हैं, सोचने का इसमें तरीका एक होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है कि इसको आप कंटिन्यूसली लगातार लंबे टाइम तक, हमेशा के लिए इनफैक्ट आप इसको कर सकते हो। ये इस टाइप का प्रोग्राम है, जैसे कि 9 वीक्स एक बार कंप्लीट हुए तो उसके बाद 5 से 7 दिन का रेस्ट कहा जाता है अगर आपको ज़रूरत है तो, और हर एक फेज़ के साथ में, फॉर एग्जांपल एक फ़ेज़ में 3 वीक्स हुए, दूसरे फेज़ में फिर 3, तीसरे फेज़ में फिर से 3 वीक्स हुए। तो पहले फेज़ में आपने जैसे स्टार्टिंग करी इस प्रोग्राम की और फर्स्ट वाले वीक में हैवी लिफ्ट करा था, अब जो दूसरे फेज़ का फर्स्ट वीक होने जा रहा है उसमें टारगेट होना चाहिए कि पिछले फेज़ के फर्स्ट वीक से ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करें। तो डेफिनेटली वही तो एक ग्रोथ का फैक्टर होगा और इस तरह से कंटिन्यूसली एक फिजिक में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से कि Y3T ट्रेनिंग प्रोग्राम दूसरे सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम से अलग है। देखिए, जब हम लोग कोई भी अलग तरह का कोई भी हम नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग कंपाउंड हैवी भी लिफ्ट करते हैं और एट द एंड ऑफ वर्कआउट हम लोग हाई वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज भी करते हैं, ज़्यादा रेप्स भी निकालते हैं। तो उसके अंदर हम लोग दोनों तरह के अपनी मसल फाइबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण होता क्या है कि हम लोग अपने किसी भी मसल फाइबर को कम्प्लीटली पूरी तरह से फैटीग नहीं कर पाते, जबकि इस प्रोग्राम के अंदर हर एक वीक के अंदर एक टाइप की ही मसल फाइबर को टारगेट किया जा रहा है। ये एक इसका सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है। बात अब कर लेते हैं Y3T के जितने भी कुल मिलाकर के सारे एडवांटेजेस हैं उनके बारे में। सबसे पहला एडवांटेज तो यह है कि इस ट्रेनिंग स्टाइल के अंदर लगातार वेरिएशन है हर वीक बाय वीक। तो इस वजह से पता है क्या, जब वेरिएशन आ रहा है हर एक वीक के अंदर तो मसल हाइपरट्रॉफी जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि ग्रोथ इन मसल मास। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि वेरिएशन है क्योंकि इस वजह से बॉडी अगर प्लेट्यू में है भी तो प्लेट्यू ब्रेक करने में भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू नील योडा हिल। तीसरा एडवांटेज इस प्रोग्राम का क्या है कि ये इंजरी फ्री भी है, क्योंकि बात क्या है ना, अगर आप कंटिन्यूसली हैवी लिफ्ट करते रहते हो तो हमारे जॉइंट्स जो हैं उनके अंदर इंजरीज होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं और होते ही हैं बॉडी बिल्डर्स के साथ में, टेंडेंस जो है उसमें इंजरी रहती है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर लगातार वेरिएशन है वेट्स में भी, रेप्स में भी, और खासतौर से जो इसका थर्ड वीक होता है जो कि मैं कहूँगा एक कार्डियोवैस्कुलर वीक है जिसमें कि ज़्यादा तेज़ी से ब्लड फ्लो होता है और हम सबको मालूम है कि ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, इस वजह से क्या होता है कि जो मसल रिकवरी है वो चीज़ तेज़ हो जाती है। और थर्ड वीक का मैंने आपको एक और एडवांटेज बताया कि ये वीक बेसिकली होता है फेशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग करने का वीक, जिसके अंदर क्या होता है कि जब फेशिया स्ट्रेच होगा तो मसल्स को फैलने का और ज़्यादा रूम मिलेगा और उसकी वजह से ओवरऑल मसल के अंदर राउंडनेस बढ़ेगी। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये 3D प्रोग्राम कहलाता है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने अब आपको काफ़ी कुछ बता दिया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, बाकी आप जितना रिसर्च करेंगे उतना बेहतर आप समझेंगे। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा रिपीट करके, और इसके अंदर यही है कि वेरिएशंस काफ़ी सारे हैं, ट्रिकी प्रोग्राम है ये, एकदम ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक टिपिकल कोई चीज़ दे दी और आप उसको फॉलो करोगे और आपके ऊपर वर्क करेगी ही करेगी। इसमें सोचने की काफ़ी कुछ सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आप इसकी वीडियोज़ देखें, bodybuilding.com पे इसकी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, उससे काफ़ी आपको हेल्प होगी अगर आप सही में Y3T को फॉलो करना चाहते हैं तो। और कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि एक फाइबर ओरिएंटेड प्रोग्राम है ये। तो Y3T एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको कि एक एडवांस लेवल का बॉडी बिल्डर भी कर सकता है, एक इंटरमीडिएट लेवल का कोई एथलीट भी कर सकता है, या फिर कोई बिगनर लेवल पे है वो भी कर सकता है। तो Y3T डेफिनेटली मसल को ग्रो करने में तो वर्क करता ही करता है, लीन मसल मास पुट ऑन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ जो भी मैंने अभी तक आपको इसमें एडवांटेजेस के बताए वो सब तो है ही, और वो सारे एडवांटेजेस हैं जो कि कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करे हैं Y3T को फॉलो करने के बाद। तो दोस्तों यही था मेरा कुल मिलाकर के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे बनाने का इसको मकसद, बाकी आप लोगों पे आप लोग किस तरह से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को समझते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, बता देना नीचे कमेंट्स में। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।